हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और सुबह मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो गई हूँ और प्रॉपर मैंने देखिए काम सारा हो गया, झाड़ू पोछा सब कर लिया मैंने। और कल मेरा भाई आया था तो ये लेके आया है, अभी मैंने खोला नहीं है। इसमें मम्मी ने चावल भिजवाए थे और कुछ और सामान भी था, खोलूँगी। पर पहले अभी डॉक्टर के जा रहे हम ताशु को लेके, क्योंकि उसके 9 महीने का इंजेक्शन नहीं लगा अभी, तो टीका लगवा के लाना है। लगेगा नहीं लगेगा पक्का नहीं पता आज, पर फिर भी हम लोग जा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया उसको नहीं लगा अभी, तो चलिए डॉक्टर के चले, पहले नाश्ता कर लेते हैं तब डॉक्टर के जाएंगे। क्योंकि ताशु को मम्मी नहला रही है, मालिश हो चुकी है उसकी, और बस अब नहला देंगे और कुछ नहीं, नहला के फिर हम लोग चले जाएंगे। देखिए मेरी चाय बन चुकी है, ये रही और ये रही, ये चाय वो कप में पियेंगे। हाँ, मेरे को तो ग्लास में ही चाहिए होती है, मेरे को नहीं पिया जाता कप में। और ये रहा नाश्ता, फिलहाल हम ये अभी खा के चले जाएंगे और आके खाना बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर 10 बजे तक ही डॉक्टर बैठता है, उसके बाद नहीं बैठेगा इसीलिए। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये अभी शायद नीचे गए ताशु के पास, ताशु नहा रहा है ना इसलिए। हम आ चुके हैं पार्किंग में, हमने अपनी बाइक लगा दी और चलते हैं अंदर डॉक्टर के पास। ताशु देखिए, देखिए ताशु को कैसे रेडी हो गया आए और पता नहीं इनको सुई लगेगी आज, किन्ने रोएंगे ये और फिर इनको फीवर भी हो जाएगा। ताशु चलिए चलते हैं अंदर। चुके ये देखिए हॉस्पिटल, और ये देखिए ताशु, ताशु के पापा दोनों चल रहे हैं। ताशु कहाँ जा रही हो छुई लगवाने? देखिए ताशु को ये देख रहे हैं मैं कहाँ आ गया। देखिए कैसे लाइन लग रखी है पर्ची के लिए, हो गए हैं आगे कटवाने। अंदर आ चुके बहुत भीड़ा है। ताशु ताशु ए देख, और इसको देख के तो मजा आ रहा है, सबको देख देख के। बस 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 लग गया, लग गया यार, लग गया। ताशु चुप हो चुका है, रो रहा था कितना कितने चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि 2 इंजेक्शन लगा दिए उसने एक साथ ही। तो चलिए बाहर चलते हैं, बहुत भीड़ हो रही है। हम लोग बैठे अभी, हमारा नंबर नहीं आया। ताशु ये देखिए, इनमें हाथ देने के लिए कर रहा है बदतमीज लड़का। सॉरी सॉरी सॉरी, तूने तूने तो बताया मैं क्या करूं। और एक इसको पैर फंस गया तो रोने लग गया बदतमीज लड़का। ये हम लोग बाहर आ चुके हैं पार्किंग में और ये बाइक ले रहे हैं अपने, चल रहे हैं फिर घर। और देखिए पसीने के मारे हालत, ताशु यो देखिए ताशु कैसा हो रहा है। यहाँ मम्मी और मौसी बैठे हुए बातें कर रही थी और मिठाई खा रही थी, गांव की बातें चल रही थी ऐसी कुछ मम्मा की और वहाँ की, तो वही बातें कर रही थी। और दीदी बैठी थी, दीदी सुन रही थी। मम्मी और मठा ले लेना,
चावल दूं तुम्हें? ये रोटी मो क्यों पकड़ा दी चावल का बना दूंगी ये अच्छे ना आए कोई खाएगा ही नहीं। ले प्रीति तुम भी ना खाओगी नमक डाल लगे सुबह मिर्ची गिर के देखो मैं भी ना खाऊं हरी मिर्च खाली दो गिरवा मसाले में बोल रही बोल दे एक बार लाल लगे निकल देना रात के 11 बज चुके हैं और देखिए मेरी किचन एकदम क्लीन हो गई है सारी और मैंने खाना भी खा लिया ये ऑफिस चले गए क्योंकि इनकी रात की थी तो पता नहीं कब तक आएंगे तो कल हमारे यहाँ शरारत है तो मैंने छोले भिगो दिए ये रहे छोले बनाऊंगी कल छोले पूरी और सब चीज़ें बनेंगी कल हम दोनों नीचे ही खाना बनेगा साथ में ही क्योंकि श्राद्ध हम एक साथ ही करते हैं श्राद्ध हुई पूजा हुई या कुछ भी होता है तो साथ में करते हैं ऐसे अलग अलग नहीं बनाएंगे क्योंकि बड़े भाई साहब ही पत्ते डालेंगे हमारे पीपल वाले बाबाजी हैं उनके पत्ते डालेंगे कल तो उनका श्राद्ध होगा तो हमें वैसे भी मुझे सुबह जल्दी उठना है 4:30 बजे उठ जाऊँगी दोनों ही उठ जाएंगे हम लोग क्योंकि भाई साहब जाएंगे सुबह ड्यूटी 6:30 बजे तो जब तक जाएंगे तो जब तक हमें खाना तैयार करना है क्योंकि वही पत्ते डालेंगे इनके ऐसे कहते हैं कि बड़े बेटे डालते हैं इसलिए वही डालेंगे डालते तो दोनों ही हैं पर उनके हाथ के ज़्यादा हैं तो इसलिए हम उनके ही वही डालेंगे पत्ते। मैं अपनी वीडियो का यही एंड कर रही हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर करें कमेंट करें लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी एंड प्लीज़ सपोर्ट मी मेरे को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करिए बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए बाय गुड नाइट मिलते हैं नए ब्लॉग में।